नमस्कार दोस्तों, ऑटो हर्ष नाइन के चैनल पे स्वागत है गाइस। और आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ टोयोटा की रेस। ये एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो इंडियन मार्केट में कुछ ही महीनों के बाद लॉन्च होने वाली है। इसकी आपको सारी जानकारी शेयर करूंगा, कितने आपको प्राइस में मिलेगी, कितना आपको उसमें फीचर्स मिलेगा, और ये कार जैसे ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तब कौन कौन सी कार से ये कम्पीट करेगी। तो सबसे पहले दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी अपडेट हमारे ओर से आप मिस ना कर पाए। तो टोयोटा रेस के साथ साथ एक टोयोटा की रॉकी भी इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। यो आपको 5 सीटर मिलेगी और ये सब कॉम्पैक्ट एसयूवी रहेगी, जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस आपको 8 लाख रुपए से स्टार्ट होगी एंड 10 लाख रुपए में आपको ये कार मिल जाएगी। उसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट इंडिया में शेड्यूल की गई है अप्रैल 2020 तक। और आप जानते ही है कि टोयोटा की हर कोई गाड़ी इंडियन मार्केट में काफ़ी सक्सेसफुल है, जैसे कि टोयोटा इनॉक रिस्टा देख लीजिए और टोयोटा फॉर्च्यूनर देख लीजिए। तो टोयोटा अपने इस कार को लॉन्च करेगा जैसे ही, तो उसकी डायरेक्टली राइवल होगी अपने सेगमेंट में आने वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा। हुंडई की वेन्यू आएगी, XUV300 के साथ कम्पीट करेगी, नेक्सॉन के साथ कम्पीट करेगी और इकोस्पोर्ट के साथ कम्पीट करेगी। ये आने वाली टोयोटा रेस में आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो कि आपको इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी या फिर कोई भी कंपनी ऑफर नहीं कर रही, जैसे कि उसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, कोलिजन सिस्टम्स मिलेगी, डिपार्चर वार्निंग सिस्टम्स मिलेगी। और वैसे उसकी बात करें जो डायमेंशन है, तो उसमें आपको लेंथ काफ़ी अच्छी मिलेगी, जैसे कि 3995 mm की लेंथ मिलती है, विड्थ मिलेगी 1695 mm, हाइट मिल जाएगी करीबन 1620 mm और बूट स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा इस कार में दिखने को मिल जाएगी। और उसकी बात करें इंजन पावर की, तो उसमें आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 90 PS ऑफ पावर एंड 140 Nm का टॉर्क के साथ साथ आपको फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन दिया जाता है। और ये टोयोटा की ओर से सब 4 मीटर SUV रहेगी जो अपनी सेगमेंट में विटारा ब्रेजा एज पार्ट ऑफ टोयोटा सुजुकी जॉइंट वेंचर की आपको इस कार में दिखने को मिल जाएगा। रेस इंडिया में आएगी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2020 में जब आएगी तब टोयोटा अपने इस कार का प्लेटफॉर्म मारुति सुजुकी के साथ जरूर शेयर करेगा, क्योंकि आप जानते ही है कि टोयोटा ने अपनी जो ग्रांजा, मतलब कि जो मारुति सुजुकी की बलेनो आदि है, उसी के आपको कॉपी दिखने को मिल जाती है। और ऐसे ही टोयोटा की ब्रिजा कॉपी होगी मारुति सुजुकी ब्रिजा की ओर से। उसकी एक्सटीरियर की बात करें तो उसमें आपको सार फेड लैम्प्स, LED DRL ट्रीटमेंट, स्मॉल अपर ग्रिल, एंगुलर लोअर ग्रिल, आपको विंडशील्ड मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा रेक्सेसिबिलिटी, क्रोम डोर हैंडल्स, ब्लैक बी पिलर, रियर प्रोफाइल की बात करो तो मस्कुलर ब्लैक क्लैडिंग, हॉरिजॉन्टल LED टेल लैम्प और रियर स्किड प्लेट और क्रोम बूट अपीलिंग लुक के साथ आपको दिखने को मिल जाएगा। और इस कार की अगर आगे बात करें उसकी इंटीरियर की, या फिर अगर आपका फोर व्हील ड्राइव सिस्टम लेने की इसमें इच्छा है, तो उसमें आपको ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी अच्छे स्पॉट सिस्टम भी इस कार में दिखने को मिल जाएगी। और मैंने पहले भी बताया कि इसमें आपको 1.0 लीटर का इंजन मिलेगा, जिसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शन मिला जाएगा। इस कार की इंटीरियर की बात करो तो आउटस्टैंडिंग इंटीरियर मिलेगा, सिस्टर सीलिंग्स आपको फीचर्स मिलेंगे, पैसेंजर के लिए काफी इनफ हेडरूम भी आपको इस कार में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप बताएगा कि आपको पूरी ऑल ओवर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर की वाइज आपको गाड़ी ये कैसी लगी। और गाइस अगर आपको पसंद आती है ये गाड़ी, अगर आप लेना खरीदना पसंद करते हो इस गाड़ी को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी डाउट हो तो मैं आपका शेयर करूंगा, आपके साथ जो भी सॉल्व प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करने के लिए तैयार हो, तो आप कमेंट करिए। और थैंक यू दोस्तों अंत तक देखने के लिए, आगे बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।